डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया कमांडोज रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया कमांडोज रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, कमांडोज मेरा हौसला देखकर, मेरा हौसला देखकर। जी हाँ कमांडोज, मैं योगी दाकरे वायरा डिफेंस क्लास चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कमांडोज, जैसे कि अपनी करंट अफेयर सीरीज की पिछली सीरीज में मैंने जनवरी मंथ को कवर किया था, उसका कुछ पार्ट रह गया था जिसको मैं जनवरी पार्ट टू के नाम से वीडियो ला रहा हूँ। तो कमांडोज, पहला पार्ट कैसा रहा? आपकी कमेंट्स मैंने देखी, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही अपना प्यार स्नेह दुलार देते रहिए, मैं और ज़बरदस्त सीरीज लाता जाऊँगा। जनवरी पार्ट टू के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई इसी प्रकार सारी सीरीज लाई जाएगी। वही कमांडोज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर देखा करें, उसमें लिंक्स जो दे रखे होते हैं उनको देखा करें, उसमें जो डाटा दे रखा होता है उसको देखा करें, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। वही कमांडोज, नीचे स्क्रीन पे जो भी आपको डाटा मिलता है उसको लिखा करें, वीडियो को पॉज कर करके देखा करें, पूरा वीडियो देखा करें और अपने दोस्तों को मित्रों को रिश्तेदारियों में इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जिन लोगों को जो सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं, जो क्लास का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, उनको इसके माध्यम से क्लास का फ़ायदा मिलता रहे। तो कमांडोज, सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे, बस बढ़िया से मज़े से मेहनत करते जाइए। और हाँ, अभी हाल ही में एयरफोर्स की फाइनल मेरिट आई है और जो जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं मेन में, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, वो मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, कमांडोज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कमांडोज, जो आगामी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कमांडोज तैयार हो जाइए ऐसी रॉयल जिंदगी को जीने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं कमांडो जनवरी पार्ट टू। पहले पॉइंट की बात करते हैं, सरस्वती सम्मान। जैसा कि आप जानते हैं, साहित्य के कुछ मुख्य पुरस्कार हैं, कुछ मुख्य सम्मान हैं, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो उन्हीं सीरीज में सरस्वती सम्मान का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसका ये 29वां एडिशन था जो 2019 के लिए बांटा गया 2020 में। तो इस बार का जो 29वां सम्मान पुरस्कार दिया गया है वो एक सिंधी लेखक वासुदेव मोही को मिला है, उनकी कृति चेकबुक के लिए, उनकी कृति चेकबुक के लिए। कमांडोज, जानकारी के लिए कमांडोज बता दूं आपको, सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। वहीं इसकी स्थापना 1991 में हुई वहीं पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन जी को मिला, दस द्वार से सोपान तक रचना के लिए। तो कमांडोज, आपने सीखा सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2019 का कौन सा संस्करण इस बार बांटा गया, 29वां संस्करण बांटा गया, किसे मिला, सिंधी लेखक वासुदेव मोही को मिला, किस कृति के लिए मिला, चेकबुक के लिए मिला, कौन ये पुरस्कार प्रदान करता है, के बिरला फाउंडेशन प्रदान करता है, वहीं इसकी स्थापना कब हुई, 1991 में इसकी स्थापना हुई। पहला पुरस्कार किसे दिया गया था, हरिवंश राय बच्चन जी को, दस द्वार से सोपान तक के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। वहीं सम्मान के रूप में इसमें सॉल, एक प्रशस्ति पत्र, एक प्रतीक और 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, G-SAT 30। कमांडो, सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है G-SAT क्या है, तो आपको बता दूं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट इसकी फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत, G-SAT की शुरुआत 2001 में हुई। वहीं G-SAT 30 उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया है और किससे किया गया था, ये Ariane 5 रॉकेट से इसका प्रक्षेपण किया गया। तो कमांडो, G-SAT 30 है क्या, एक टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, एक दूर संचार उपग्रह है, एक टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसकी स्थापना G-SAT प्रणाली इसरो द्वारा लॉन्च की गई। वही कमांडो, अगले पॉइंट की बात करें, वुमेन विद व्हील्स टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है। तो कमांडोज, नई दिल्ली में महिला ड्राइवरों को प्रोत्साहित करने के लिए यह सेवा दिल्ली सरकार द्वारा की गई है। वही कमांडोज, अगला पॉइंट है, 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है। तो आपको बता दूं कमांडोज, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी इसकी चर्चा की थी, वहाँ पर भी बहुत डिटेल मैंने बताई थी, यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता, नेशनल वोटर डे के रूप में मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या कमांडो, इलेक्ट्रिकल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी इसकी थीम है। वही कमांडो, और हम बात करें
भारत का पहला पशु स्मारक कहाँ बनाया गया है? भारत का पहला पशु मॉन्यूमेंट कहाँ बनाया गया है? पहला पशु स्मारक यानी एनिमल मॉन्यूमेंट कहाँ बनाया गया है? तो यह यूपी के मेरठ में बनाया गया है। वहीं कमांडो, अगले पॉइंट की बात करें, गति पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो गति पोर्टल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, जिनका नाम नितिन गडकरी है, उन्होंने परिवहन को बढ़ावा देने के लिए गति पोर्टल लॉन्च किया है। वहीं कमांडो, ऐसा कौन सा राज्य है जहां 10 रुपये में भोजन यानी शिव भोजन या पायलट योजना शुरू की गई है? तो कमांडो, 10 रुपये में भोजन, शिव भोजन महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। कहां शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में। वहीं कमांडो, अगले पॉइंट की बात करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा विश्व आलू सम्मेलन, वर्ल्ड पोटैटो कॉन्फ्रेंस, थर्ड वर्ल्ड पोटैटो कॉन्फ्रेंस कहाँ की गई? तो यह गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई। वहीं अगर कमांडो बात करें, आलू उत्पादन में कौन से राज्य सबसे ज़्यादा अग्रणी हैं? तो यूपी में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार, उसके बाद गुजरात हैं। ये सारे आंकड़े प्रति हेक्टेयर में हैं, सारे आंकड़े प्रति हेक्टेयर में। वहीं कमांडो, अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, आलू जिसको पोटैटो कहा जाता है, यह इसका जन्म स्थान दक्षिण अमेरिका के चिली या पेरू को माना जाता है। वहीं बताया जाए कि गेहूं, धान, मक्का के बाद सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाली फसल आलू ही है। गेहूं, धान, मक्का के बाद सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाने वाली फसल या उत्पादित की जाने वाली फसल कौन है? आलू है। आलू के अगर हम बॉटनिकल नाम की बात करें, वनस्पतिक नाम की बात करें, तो सोलेनम ट्यूबरोसम इसका वनस्पतिक नाम है। वहीं कमांडो, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह शिमला, हिमाचल प्रदेश के, तो यह हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। वहीं कमांडो, यूएनओ द्वारा कौन सा वर्ष आलू वर्ष घोषित किया गया था? तो आपको बता दूँ, यूएनओ द्वारा 2008 को आलू वर्ष घोषित किया गया। वहीं कमांडो, अगले पॉइंट की बात करें, बस एक एक पॉइंट को कमांडो लिखते चलो, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करेंट की दृष्टि से भी और विविध की दृष्टि से भी। वहीं कमांडो बात करें, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक किस राज्य में खोला गया है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में खोला गया है। कमांडो, जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए बता दूं, भोपाल में भारत भवन है और भोपाल में ही भोज झील है, राजा भोज द्वारा बनाई गई भोज झील है। कमांडो, आगे बात करें और आपको बता दूं, 3-4 दिसंबर 1984 को एक बहुत ही दर्दनाक ट्रेजेडी हुई, भोपाल गैस ट्रेजेडी, मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण, उसके लिए भी भोपाल प्रसिद्ध है। वहीं कमांडो, आगे बात करें, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई है? मेट्रो रेल की शुरुआत भी कोलकाता से ही हुई, कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत 1984 में हुई। वहीं कमांडो, एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ई श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वहीं कमांडो, आगे बात करें, गणतंत्र दिवस पर, ऑन रिपब्लिक डे पर 2020 को सबसे बेस्ट झांकी किसे घोषित किया गया? सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया? तो आपको बता दूं, सबसे अच्छी झांकी असम राज्य की घोषित की गई, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद यूपी की झांकियों को स्थान मिला। वहीं कमांडो, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि इंग्लैंड में है, ने 2019 का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द कौन सा घोषित किया है? कमांडोज, ऐसे पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके यूपीएससी के एग्जामों में, सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द कौन सा है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2019 में किया है? तो आपको बता दूं, वो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। संविधान शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2019 के दौरान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लिया है। वहीं कमांडोज, अगला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आवासीय पुलिस स्टेशन, वर्चुअल पुलिस स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह उड़ीसा राज्य में की गई है, वर्चुअल पुलिस स्टेशन की स्थापना उड़ीसा राज्य में की गई है। वहीं कमांडो, ऑपरेशन वेनिला क्या है? तो आपको बता दूं, इंडियन नेवी ने मेडागास्कर की मदद के लिए, यानी इंडियन नेवी ने मेडागास्कर की चक्रवात से मदद के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया था, इसका नाम क्या था? ऑपरेशन वेनिला। वहीं कमांडो, अगला पॉइंट बहुत ज़्यादा आपका सीरियस एनडीए के एग्जामों में ऐसे पॉइंट देखने को मिलते हैं, टॉयलर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? आपको पहले जानकारी के लिए बता दूं, टॉयलर पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं टॉयलर पुरस्कार 2020 पवन सुखदेव, जो कि यूनैप के सद्भावना दूत हैं और डॉक्टर ग्रेचेन डेली
डॉक्टर ग्रेचेन डेली जो कि प्रोफेसर है, दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। पवन सुखदेव WWF में अध्यक्ष हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड में अध्यक्ष भी हैं, वहीं डॉलर पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र का नोबेल भी कहलाता है। अगर हम यूनेप की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई, 5 जून 1972 को की गई। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या के, इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है और इसके वर्तमान महानिदेशक इंगर एंडरसन हैं। इसके वर्तमान महानिदेशक इंगर एंडरसन हैं। तो कमांडो अगले पॉइंट को बात करें तो तरनजीत सिंह संधू कौन है, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, इन्हें अमेरिका में भारत का राजदूत एम्बेसडर चुना गया है हर्षवर्धन श्रृंखला के स्थान पर। तरनजीत सिंह संधू को अमेरिका में भारत का राजदूत घोषित किया गया है हर्षवर्धन श्रृंखला के स्थान पर। वहीं कमांडो अगले पॉइंट की बात करें, भारत के पहले CDS कौन है, CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है भारत के पहले, तो आपको बता दूं जनरल बिपिन रावत को भारत का पहला CDS बनाया गया है, जो कि इससे पूर्व आर्मी के चीफ थे। वहीं कमांडो जो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 का किसे दिया गया है, तो आपको बता दूं 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। अगर हम दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की बात करें कमांडो, मैंने इस पर पूरा वीडियो बना रखा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार पर, तो आप वहां से देख सकते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पर पूरा भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार पर पूरा वीडियो बनाया बहुत डिटेल में, आप वहां से समस्त जानकारी ले सकते हैं। फिर भी आपको थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई और पहला पुरस्कार 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में देविका रानी को दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना गोविंद दादा साहब फाल्के ने की। वहीं कमांडो अगले पॉइंट की बात करें, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कमांडो इनकी स्थापना 1954 में हुई और यह 24 भाषाओं में रचना के लिए दिया जाता है। लगभग एक लाख रुपए की नगद राशि की शुरुआत इसमें 2009 में की गई। वहीं 1955 में सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को हेमंत रंगेड़ी रचना के लिए दिया गया। वहीं 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हेमंत रंगेड़ी के लिए दिया गया। तो कमांडो 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नंद किशोर आचार्य को मिला है, उनकी रचना चीलते हुए अपनों को के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए शशि थरूर को, जो कि कांग्रेस के नेता और सांसद भी रह चुके हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं कमांडो जी भारत की नई लेखा नियंत्रक यानी CGA कौन है, सोमराय वर्मन। भारत के नए लेखा नियंत्रक यानी CGA कौन है, सोमराय वर्मन। तो कमांडो का गोल्डन ट्वीट क्या है 2019 का, सबका साथ और सबका विकास भारत का गोल्डन ट्वीट 2019 घोषित किया गया है। वहीं कमांडोज WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विश्व मौसम संगठन 2019 में सबसे गर्म दशक किसे घोषित किया गया है, WMO द्वारा 2019 का सबसे गर्म दशक डिकेड किसे घोषित किया गया, 2010 से 2019 को सबसे गर्म दशक घोषित किया गया है। तो कमांडोज WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1950 में की गई। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान महानिदेशक पैट्री टेलास। वहीं कमांडोज आगे बात करें, ट्रांसजेंडरों के लिए भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ, किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो यह यूपी में स्थापित किया गया है, कुशीनगर। कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह यूपी के कुशीनगर में स्थापित किया गया। वहीं कमांडोज फनफॉन तूफान क्या है, कहाँ आया ये फनफॉन तूफान फिलीपींस में आया है। हाल ही में फनफॉन तूफान कहाँ आया है, तो फिलीपींस में आया है। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। अगला कमांडो जमैका की राजधानी क्या है, किंगस्टन। की आपको बता दूं जमैका की टोनी एनसिंग को मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया, 69वां मिस वर्ल्ड पुरस्कार इन्हें दिया गया। वहीं साउथ अफ्रीका की जुजीविनी तुंजी को मिस यूनिवर्स 2019 का पुरस्कार दिया गया, जो कि 68वां पुरस्कार था। आपको जानकारी के लिए बता दूं मिस वर्ल्ड का आयोजन इंग्लैंड में किया जाता है, वहीं मिस यूनिवर्स का आयोजन USA में किया जाता है। मिस वर्ल्ड की स्थापना 1951 में हुई, वहीं मिस यूनिवर्स की स्थापना 1952 में हुई। अमेरिका की टाइम पत्रिका ने 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है, तो आपको बता दूं स्वीडन की 16 वर्ष की थ्रेटा थनबर्ग को अमेरिका की टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है, जिन्होंने पर्यावरण को लेकर के चिंता व्यक्त की थी।
वही कमांडो अगले पॉइंट की बात करें, नंबर वन शूटिंग राष्ट्र किसे घोषित किया गया है? राइफल पिस्टल विश्व कप में, किसे नंबर वन राष्ट्र शूटिंग राष्ट्र घोषित किया गया है? तो आपको बता दूं, भारत इस वर्ष नंबर वन शूटिंग राष्ट्र घोषित किया गया है, जिसने 21 गोल्ड 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं राइफल पिस्टल विश्व कप में। वहीं चीन का दूसरा स्थान है और यूएसए का तीसरा स्थान है राइफल पिस्टल विश्व कप में। वहीं कमांडो 11 जनवरी को कोरोना वायरस से चीन में पहली मौत देखी गई। कमांडो कोरोना वायरस से रिलेटेड मेरी दो वीडियो हैं जो कि मेरे चैनल पर अपलोड हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी इनको जानकारी ले सकते हैं। फुल जानकारी है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अगले पॉइंट की बात करें कमांडो, उपराष्ट्रपति ने वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु में कौन से महोत्सव का उद्घाटन किया? तो उपराष्ट्रपति ने तमिलनाडु में त्यागराज आराधना महोत्सव का उद्घाटन किया। वहीं तमिलनाडु में भोगी पर्व भी मनाया गया। तो वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु में त्यागराज आराधना महोत्सव का उद्घाटन किया। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन है? जानकारी के लिए बता दूं कमांडो, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। वहीं 1 अप्रैल 1935 को हुई। वहीं आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसमोन स्मिथ थे। वहीं कमांडोज, आरबीआई एक केंद्रीय बैंक है जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसकी जानकारी मैंने इससे पहले वीडियो में भी दी है, जनवरी पार्ट 1 में भी दी है। तो डिप्टी गवर्नर कौन है? बीपी कानूंगो, एनएस विश्वनाथन और महेश कुमार जैन। वहीं विरल आचार्य के स्थान पर माइकल पात्रा को नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया। कमांडोज, सबसे पुराना प्रोसेलर ग्रेन यानी कण कौन सा है जो धरती पर पाया गया है? तो सबसे पुराना प्रोसेलर ग्रेन कण धरती पर कमांडोज कहाँ पाया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा, जो कि अपने आप में एक महाद्वीप और देश भी, सबसे छोटा महाद्वीप कहा जाता है इसे ऑस्ट्रेलिया को। वहीं कमांडोज, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट, SCO क्या है? SCO, तो कमांडोज आपको जानकारी के लिए बता दूं, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की फुलफॉर्म है। इसकी स्थापना 2001 में की गई और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। कमांडोज आपको बता दूं, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में स्थित है को 8 अजूबों में शामिल किया है। किसमें शामिल किया है? 8 अजूबों में शामिल किया है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। कमांडोज, परशुराम कुंड मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? परशुराम कुंड मेला कहाँ आयोजित किया गया? आपको बता दूं, परशुराम कुंड मेला को प्रभु कुठार भी कहा जाता है और यह अरुणाचल प्रदेश के लोहित नामक स्थान पर आयोजित किया गया, लोहित नदी के किनारे स्थित है, जो कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। वहीं कमांडो, अगला पॉइंट, 2020 के रिपब्लिक डे पर किसे पहली महिला परेड सहायक बनाया गया? 2020 के गणतंत्र दिवस पर इस बार किसे पहली महिला परेड सहायक बनाया गया? कमांडोज तानिया सिरगिल को 2020 के गणतंत्र दिवस पर पहली महिला परेड सहायक बनाया गया। तो कमांडो, 2020 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो इस बार के मुख्य अतिथि थे। वहीं एपी माहेश्वरी सीआरपीएफ के महानिदेशक बने, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक बने। कमांडो, इस बार स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो कमांडो, उड़ीसा के पुरी को इस बार का स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 दिया गया है। वहीं कमांडो, लखनऊ के पहले पुलिस आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो आपको बता दो कमांडो, सुजीता पांडे को लखनऊ का पहला पुलिस आयुक्त बनाया गया है। अब बात करते हैं कमांडो, आईसीसी अवार्ड 2019 किन-किन को दिए गए हैं? तो कमांडो, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज पैट कमिंस को टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। वहीं बेन स्टॉक्स को द फील्ड सोवर्स ट्रॉफी दी गई है और रोहित शर्मा को वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है।
आगे बात करें कमांडो जी, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल, जिसकी स्थापना 1965 में की गई और जिसके वर्तमान महानिदेशक SS देसवाल हैं, जिसके वर्तमान महानिदेशक SS देसवाल हैं। BSF द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा और गर्मियों में गर्म हवा के नाम से ऑपरेशन चलाए जाते हैं। तो हाल ही में BSF द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम क्या है? सर्द हवा। कमांडोज भारतीय नौसेना, भारतीय कमांडोज भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन हैं? भारतीय सेना के नए प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी हैं, वहीं प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे हैं। भारत ने कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया है? भारत ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस ने इस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। 19 जनवरी को इस बार किस रूप में मनाया गया? तो 19 जनवरी को कमांडो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया गया। तो कमांडो अगले पॉइंट की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव इस बार कहां आयोजित किया गया और कौन सा एडिशन था इसका? तो कमांडो 9वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव इस बार कोलकाता में आयोजित किया गया। कहां आयोजित किया गया? कोलकाता में आयोजित किया गया। वहीं अगर लीनर पॉइंट की बात करें कमांडो, वाटर कैपेसिटी जल दक्षता में कौन से राज्य का पहला स्थान है? तो गुजरात का पहला स्थान है। वहीं कमांडो फिट इंडिया साइक्लोथन का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा के पणजी में फिट इंडिया साइक्लोथन का आयोजन किया गया। तो कमांडो हाल ही में आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ घोषित की गई हैं। तीसरी राजधानी घोषित की गई है कौन कौन सी? एक विशाखापट्टनम जो कि इसकी कार्यकारी राजधानी होगी, वहीं कुरनूल जो कि इसकी न्यायिक राजधानी होगी और अमरावती जो कि इसकी विधायी राजधानी होगी, कानून राजधानी होगी। तो कमांडोज आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानी होगी? 3। अभी हाल ही में कमांडोज चेहरा पहचान ऐप लॉन्च किया गया है। चेहरा पहचान ऐप लॉन्च किया गया है जो कि किस राज्य की पहल है? तो कमांडोज आपकी जानकारी बता दूं, चेहरा पहचान ऐप तेलंगाना चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए तेलंगाना द्वारा शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है। दुनिया का सबसे छोटा आदमी कौन है? दुनिया का सबसे छोटा आदमी कौन है? खगेंद्र थापा दुनिया का सबसे छोटा आदमी है, जिनकी लंबाई 67.08 सेंटीमीटर है। 67.08 सेंटीमीटर है। क्या नाम है? खगेंद्र थापा। वहीं कमांडो किस राज्य की सरकार ने स्कूल में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? तो कमांडो किस राज्य की सरकार ने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? तो कमांडो महाराष्ट्र की सरकार ने स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। वहीं कमांडो अतिरिक्त जानकारी की बात करें, एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें, तो महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे हैं, वहीं राज्यपाल भगत सिंह हैं। वहीं कमांडो RBI को वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग में कौन सा स्थान दिया गया है? कमांडो RBI को वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग रिपोर्ट में कौन सा स्थान दिया गया है, यानी गोल्ड माइन करने के लिए RBI को कौन सा स्थान मिला है? तो RBI को 6वां स्थान मिला है। क्योंकि अब अगला जो वीडियो है जो कमिंग सून है वो फरवरी का है। तो कमांडो एक एक पॉइंट को बारीकी से लिखें जो आपके पेपर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण सिद्ध होंगे। कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, बस मेरी मेहनत सफल होनी चाहिए। वहीं कमांडो दूसरी बात, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें, मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं इससे भी ज़बरदस्त जानकारी आपके लिए लेके आ सकूँगा। तो जय हिंद, इंग्लैंड जिंदाबाद।